नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेस कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं मनु सिंह और हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेस कुमार सिंह। आज का हमारा टॉपिक है व्यूअर्स का क्वेश्चन ही लेंगे हम, जिसमें व्यूअर्स ने पूछा था कि सर एफिडेविट क्या होता है और उसका क्या महत्व है, क्या उसे उससे बनवाने के लिए एडवोकेट से मिलना पड़ता है या आदमी खुद ही बना सकता है उसे, क्या कोर्ट में जाके आदमी खुद उसे बना सकता है या एडवोकेट से मिलना पड़ता है, इसके बारे में एफिडेविट के बारे में सर से पूरी जानकारी लेंगे, जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, अक्सर लोगों को बनवाना पड़ता है, मुझे भी बनवाना पड़ा है कई बार। उसके बारे में सर से जानेंगे कि असल में एफिडेविट है क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए नीचे रेड बटन दी हुई है जिस पे सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसे क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे होगा ये कि जो भी हमारे नए वीडियो आते हैं वो आपके पास नोटिस के थ्रू पहुंच जाया करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज कौन सा नया वीडियो आने वाला है। अगर आपको हमारे पुराने वीडियो तक जाना है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में 5-7 लिंक पड़े होते हैं, जिससे आप आसानी से हमारे पुराने वीडियो तक जा सकते हैं। ऊपर आई की बटन दी होती है, जिससे आसानी से आप हमारे पुराने वीडियो तक जा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी 3-4 लिंक आते हैं, जिससे आप आसानी से उस पर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो तक जा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें उसे, हम उसका जवाब कमेंट बॉक्स में अदरवाइज वीडियो बना के आपको बताएंगे। चलते हैं सर के पास और जानते हैं कि एफिडेविट क्या होती है और उसके क्या महत्व है, कैसे बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में, जनरल क्वेश्चन है, इसके बारे में सर से जानेंगे। सर, एफिडेविट हिंदी में उसको शपथ पत्र कहते हैं जी, और शपथ पत्र दो तरह का होता है जी, ठीक है जी। एक जुडिशियल कार्य में प्रयोग में आता है जी, और दूसरा नॉन जुडिशियल कार्य जी। आजकल आप कोई भी फार्म भरिए, कहीं कोई जाइए, तो एफिडेविट शपथ पत्र की रोजमर्रा के काम में आवश्यकता है जी। जहाँ आप किसी न्यायिक कार्य में जा रहे हो जी, जुडिशियल कार्य जहाँ है जी, वहाँ साधारण एफिडेविट लगती है जी, है ना। सामान्य तौर पर ये आदमी का डिक्लेरेशन होता है जी। आप अपनी बात को आनोथ वकील के सामने कहते हैं, उसी को सत्यापित कर देते हैं। तो ये बिना वकील के शपथ पत्र नहीं बनाया जा सकता। वकील, एडवोकेट, आप कुछ भी कहो, पुराने पहले वकील होते थे, बाद में फिर वही एडवोकेट हुए, है ना, संशोधन आया जो, तो उसको जो है अधिवक्ता के बिना एफिडेविट बनाई नहीं जा सकती जी। ठीक जी। एक तो आदमी का आइडेंटिफिकेशन, कोई अगर आप अपना डिक्लेरेशन करते हैं, आमोद कोई बात कहते हैं जी, तो वो वकील के समक्ष कहा जाता है और वो अधिवक्ता जो है उसको सत्यापित करते हैं। उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में नामित वकील होते हैं जी। ठीक है जी। वो जो न्यायिक जुडिशियल एफिडेविट बनती है, जो न्यायिक कार्य में जो शपथ पत्र प्रयोग में आता है जी, उनका भी अपना एक हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इवन तहसीलों तक जी, एक लिस्ट होती है जी। ठीक है जी। वो एफिडेविट के वकील जो है, वो तो कमिश्नर जिनको कहते हैं जी, तो वो हर जगह पोस्ट होते हैं, है ना जी। अब वो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा लिस्ट दी जाती है जी, है ना, जो जिनको वो नामित कर देते हैं जी, वही शपथ पत्र बनाने के लिए अधिकृत। तो क्या जनरल एडवोकेट, जनरल एडवोकेट का सिर्फ इतना काम है कि आपको सहयोग करेंगे, आपकी एफिडेविट बनवा देंगे, मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। देखिए, दो पहचान, एक तो आनोथ आप नोटरी, जो अधिवक्ता है, ओथ है या नोटरी है, जो भी है जी, उसके समक्ष आप आनोथ डिक्लेरेशन करते हैं, अपनी बात कहते हैं जी, उसी को सत्यापित करता है। लेकिन आपकी पहचान अलग से वकील करता है, जो आपका एक पर्सनल वकील है जी। ठीक है, इसमें मूल रूप से तो मैंने जो बताया, दो तरह के शपथ पत्र होते हैं जी, एक जुडिशियल कार्य के लिए, एक नॉन जुडिशियल कार्य के लिए। जब आप न्यायालय पे जाएंगे तो दूसरा शपथ पत्र लगेगा जी, और जब आप किसी अलग जगह पे जाते हैं जी, किसी कार्यालय में जाते हैं, शिक्षा विभाग में जाते हैं, किसी विभाग में, खाद्य रसद विभाग में जाते हैं, विकास विभाग में जाते हैं, डेवलपमेंट जहाँ से हैं जी, है ना जी, मतलब न्यायालय से हट के किसी भी विभाग में आप जाते हैं जी, नगर पालिका में आपको दरखास्त देना है, कहीं कुछ और करना है
है ना, मुख्यमंत्री को लिखना है, किसी को दरखा एप्लीकेशन डालना है, तो आपको जो जो अफिडेविट देंगे वो नोटरी अफिडेविट होगी। तो अब आप ये समझ लीजिए सर, नोटरी अफिडेविट क्या होगी? ये नोटरी के अधिवक्ता अलग से नामित होते हैं जी, स्टेट गवर्नमेंट और ये डिस्ट्रिक्ट से नहीं होते हैं जी, है ना जी। इनको जो है हाई कोर्ट्स और राज्य सरकार के संरक्षण में इनकी पोस्टिंग होती है जी। तो ये नोटरी एडवोकेट होते हैं जी, ठीक है जी। तो ये अलग इनका ये सत्यापन करते हैं जी। इनके यहाँ भी वही डिक्लेरेशन आप वोथ कमिश्नर के समक्ष करें जी। तो वो न्यायिक कार्य में प्रयोग में आएगा जी। और वही जब आप नोटरी अधिवक्ता के पास जाएंगे जी। तो वो नॉन जुडिशियल कार्य के लिए प्रयोग में आएगा जी। और दोनों में 10 रुपये का स्टाम्प लगता है जी। चाहे टिकट प्रयोग करें, जो जुडिशियल कार्यवाही में प्रयोग में आता है तो कोर्ट फीस 10 रुपये टिकट लगता है जी। और अगर आप नोटरी में करते हैं तो 10 रुपये का स्टाम्प लगता है जी। और 3-4 रुपये का जो नोटरी टिकट लगता है, उसके अलावा जैसा अधिकृत है 20-25 रुपये जहाँ भी जैसा है जी। फीस नोटरी अधिवक्ता लेता है, यही मूल रूप से उसका खर्च है और यही उसका प्रारूप है जी। होता शपथ पत्र सिर्फ अपना डिक्लेरेशन है जी। आप किसी कोई चीज करने जा रहे हो कि जो आपने फॉर्म में लिखा है शपथ पत्र, तो मतलब अनोथ जो है वो उसी व्यक्ति का डिक्लेरेशन होता है जो अपना शपथ पत्र दाखिल करने जाता है। मतलब इसको तो व्यक्ति खुद नहीं बना सकता, इसके लिए हाँ अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी। एडवोकेट अलग होते हैं, नोटरी अधिवक्ता अलग होते हैं, ओथ कमिश्नर अलग होते हैं जी। तो ये अलग अलग बनाते हैं, इसलिए इसमें कोई बहुत लोग उसमें ठगे जाते हैं, तमाम उसके नाम पर लोग पैसा ले लेते हैं जी। तो मूल रूप से उसका उसमें इतना ही खर्च लगता है, इसलिए व्यूअर्स सावधान रहें कि उनके साथ कोई ठगी ना हो सके जी। मतलब एफिडेविट बनवाने का खर्चा 150 रुपये से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं है जी। लेकिन अब कोई अधिवक्ता क्या ले लेता है या कोई ब्रोकर क्या कर देता है उससे सावधान है जी। थैंक यू सो मच सर। आज हमने जाना कि एफिडेविट क्या होती है, उसको कैसे बनवाना है, या उसको बनाने के लिए लॉयर की ज़रूरत होती है या नहीं, इसके बारे में सर ने डिटेल में बताया एफिडेविट के बारे में। हम इसी तरीके से लॉ की नॉलेज डालते रहेंगे, ये व्यूअर्स का क्वेश्चन था। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछें। क्वेश्चन अक्सर क्यू में लगे होते हैं तो कभी कभी थोड़ी लेट हो जाती है आंसर देने में, पर हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द सभी व्यूअर्स के आंसर दे दें। साथ में हम अपने CRPC के लेक्चर भी साथ में चलाते रहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, पर हम कोशिश करते हैं कि सारे व्यूअर्स को आंसर जल्द से जल्द उन तक पहुंच जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो उसका लाभ उसे पूरी तरीके से मिले हमारे वीडियो बनाने का। लॉ की नॉलेज अगर लोगों में बढ़ेगी तो उससे एक अच्छी और स्ट्रांग डेमोक्रेसी बनेगी, ऐसा हमारा मानना है, इसलिए हम वीडियो डाल रहे हैं। आप इसे शेयर करें, नॉलेज लोगों तक पहुँचाएँ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन दी हुई तो होती है जिस पे सब्सक्राइब लिखा होता है उसे दबाते ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे आपके पास मैसेज पहुँच जाया करेगा। या आप कभी मान लीजिए बहुत दिन बाद आपने खोला तो भी आपके सब्सक्रिप्शन में हमारा नाम पड़ा रहेगा हमारे चैनल का, जिससे आप आसानी से हमारे वीडियोज़ तक पहुँच जाएंगे। अगर आप 5-7 मिनट रोज़ वीडियो को दे देते हैं तो उससे आपको लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, जिससे आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम या कभी आप फ्यूचर में लॉ की ज़रूरत पड़े तो उससे आप घबराएंगे नहीं और उसको आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। आप देख रहे थे इंडियन लॉ। थैंक यू सो मच।